आज सुबह जब मैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने शोरूम जा रहा होता हूँ और वहाँ जाके देखता हूँ भाई मैंने जो गाड़ी मंगाई थी वो गाड़ी तो आई ही नहीं, मतलब वहाँ पे है ही नहीं। तो मैं तुरंत मैनेजर को बुलाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि मैंने जो गाड़ी मंगाई थी वो गाड़ी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो तुमने एडवांस किस बात के लिए है? वो सर जी एक रईस आदमी आया था और वो उस गाड़ी को ले गया, आप ऐसा करो उसका एड्रेस ले लो और उसके घर जाके उससे गाड़ी ले लो, ज्यादा पैसे देके वो दे देगा। पैसे देके किसे लेना है? सर जी कुछ बोला आपने? नहीं नहीं थैंक यू, आपने एड्रेस दे दिया। और एड्रेस लेने के बाद मैं उस रईस आदमी के घर चला जाता हूँ। एड्रेस में तो यही वाला घर दिख रहा है, तो यहाँ पे गैराज और कोई गाड़ी खड़ी हुई तो नहीं दिख रही, शायद उसके घर के पीछे गाड़ियाँ खड़ी होंगी। मैं पीछे चल के देखता हूँ, ओके हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, पहले मैं अपने स्प्लेंडर यहाँ पे खड़ी कर दूँ। तो मेरा ऐसा प्लान है कि मैं इस गाड़ी को चोरी करके लेने वाला हूँ, पैसे देके थोड़ी लूंगा। और वो गाड़ी लेके मैं अपने घर जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे बीच में रियलाइज होता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ भाई, बस 4 महीने की तो वेटिंग है, मैं नई गाड़ी खरीद लूंगा और फिर मैं वही गाड़ी वापस जाके उसी गैराज में खड़ी कर देता हूँ। तो तुम लोग को इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है कमेंट में बताना, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा। बाय द वे तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, ठीक है।